हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में डिस्कस किया था। ये जो है दो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स थे, ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट था और ये अपसाइड के लिए था, राइट। और इसके बीच में जो है निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ और डिक्लाइन देने के बाद इस अपसाइड के ब्रेक इवन को ब्रेक किया और पूरा दिन जो है पॉजिटिवली ट्रेड करता रहा। अब आगे क्या हो सकता है वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे निफ्टी के 30 मिनट चार्ट से। इस चार्ट में 15,513 से अगर देखें तो एक बड़ा वेव 5 स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 की अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 16,702 पे, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वेव 3 पूरा हुआ है, राइट। जब तक ये 38% का रिट्रेसमेंट लेवल, इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट लेवल ये होल्ड करता है 16,336, ये निफ्टी जब तक लेवल होल्ड करता है तब तक हम इसको वेव 3 बोल सकते हैं। इसको ब्रेक करके अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम इसको 1 2 3 4 5 कंसीडर कर देंगे, राइट। अदरवाइज जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक हम मानेंगे कि ये 3 पूरा हुआ है, हो सकता है ये वेव 4 हो। और यहाँ से अब जबकि बाउंस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ से आप वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने निकाले नहीं है क्योंकि ये जो बाउंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ज्यादा क्लैरिटी के लिए 16,702 से जो डिक्लाइन है उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन अगर ए और वन है, राइट, और ये जो बाउंस है ये अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि करेक्टिव बाउंस भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो अगर ये करेक्टिव बाउंस है तो नीचे के साइड हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये है 38% जो हमने निकाला है, ये ए और वन, बी और टू, और सी और थ्री की अगर हम बात करें तो इसका रिट्रेसमेंट 38% आ रहा है 16,551। इसके नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये करेक्टिव बाउंस था और निफ्टी फिर से इसके नीचे डिक्लाइन दे सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करता है तो ही हम उस पॉसिबिलिटी को देखेंगे कि ये करेक्टिव बाउंस है, राइट। अदरवाइज ये लेवल होल्ड कर जाते हैं, राइट, ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है या तो यहीं से बाउंस कर देता है निफ्टी, तो हम समझेंगे कि ये 3 है, ये 4 है और यहाँ से वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो इसके ऊपर जा सकता है, जिसका प्रोजेक्शन आप अपने आप से निकाल सकते हैं, राइट। तो सिनारियो ये है हमारे लिए। कल की बात करें तो ये सपोर्ट, ये रेंज में सपोर्ट लेके अगर ऊपर ट्रेड करता है तो हम 5 के प्रोजेक्शन निकालेंगे, अदरवाइज इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से इसके नीचे हमें लो देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी मैंने दोनों आपको समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।